आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। सिर्फ एक ही आधार मशीन, हर दिन होती है सैकड़ों लोगों की खराब नींद। पूर्णिया के बायसी प्रखंड स्थित बायसी प्रशिक्षण भवन के आधार सेंटर से लोगों की परेशानी काफी जुड़ी हुई है। यहाँ के लोगों के लिए आधार बनाना जंग जीतने के बराबर है। सभी पंचायतों से हर रोज सैकड़ों ग्रामीण अपनी नींद खराब कर यहाँ पहुँचते हैं। न केवल नींद बल्कि लोगों को अपने काम धंधे और छात्र छात्राओं को अपने स्कूल तक छोड़ने पड़ते हैं। इसका एकमात्र कारण है आधार सेंटर में सिर्फ एक मशीन का होना। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कौन पंचायत से हैं? मलड़िया पंचायत। कै बजे आए हैं? 6 बजे। 6 बजे अभी तक लंबा लगा है? नहीं लगा। क्या नाम हुआ आपका? हैं? कौन पंचायत? कपड़ा से। कब आए हैं? 6 बजे। क्या करने आए हैं यहाँ पे? क्या करने आए हैं? आधार कार्ड बनाए, सुधारने लिए आए हैं। सुधारने के? किसका लाया है सुधारने? हम अपना लाए हैं। कब आए हैं? सिर्फ बहुत 6 बजे आए हैं। अब इस महिला को देख लीजिए, यह मलहरिया पंचायत से अपने एक माह के छोटे बच्चे को जमीन पर लेटाकर दूसरे बच्चे का आधार बनाने सुबह से कतार में खड़ी है और शाम ढल जाने तक नहीं आता है इनका नंबर। दूसरी तरफ स्कूलों व मदरसों से छात्राओं को अपनी पढ़ाई बाधित कर दिन भर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, मगर नतीजा वही कि खाली हाथ लौटना पड़ जाता है। कौन पंचायत से है? मलहरिया से। कब आए हैं? सवेरे। नंबर लगा है? कब आए हैं यहाँ पे आधार कार्ड बनाने? आए सुबह आए हैं कि शाम में? लोगों ने तो यह भी कहा कि हम रात के 2 बजे से लाइन में खड़े हैं, अपने बच्चे का आधार बन जाए, लेकिन किसी भी आला अधिकारी को इससे भला क्या मतलब होगा। यहाँ होता यह है कि सबसे पहले तो इसमें 17 पंचायत है, तो हर 3-4 पंचायत में एक सेंटर होना चाहिए जी। और जैसे 4 पंचायत का कहीं पर भी अलग जगह सेंटर दे देना चाहिए जी। यहाँ एकदम 17 पंचायत से और दूर दराज से लोग आ जाता है, बिलगच्छी गंडावास वगैरह से और प्रखंडों से भी आ जाता है, और आने के बाद भोरे 4 बजे से यहाँ लाइन लगाता है। नहीं, हमको तो मालूम चला कि 2 बजे से लाइन लगता है और काम जो एक दिन में होता नहीं है, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ जाते हैं क्योंकि राशन कार्ड में उन लोगों का आधार देना है, ये लेकर के सबसे ज़्यादा समस्या।